हेलो एंड वेलकम टू कैरेंस फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुरिया फ्रेंड, एक मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हैंगी टकिंग वीडियो, साड़ी पे आप कॉटन की टॉवल से मतलब टक करके दिखाएं कि आप कैसे टक करती हैं। सो वही रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और स्पेशल जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनका नाम है सरोजनी जी, तो उनके रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और आप सभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं वो ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अगर कोई वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जाएं। सो डियर फ्रेंड, मैंने पहन रखी है एक सिंपल सी ब्लू कलर की साड़ी एंड आज मैं कॉटन हैंकी टक करके आप सभी को दिखाऊंगी। और इसी साड़ी में आप लोगों को बहुत जल्द मेरे चैनल पर मेकअप लुक मिलने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत प्यारा सा मेकअप लुक मैंने करके दिखाया है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। सो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज मैं ये दो टॉवल सरोजनी जी एंड ऑल ऑफ यू, मुझे बहुत ही मुश्किल से ये रुमाल मिली है, तो मैं इसी आज हैंकी पे करने वाली हूँ। हैंकी टकिंग का चैलेंज एक्सेप्ट की हूँ आप सभी का, तो मैं चलिए इससे करती हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो अगर आप लोगों की कोई और रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड मैं लेफ्ट साइड में टक करके बताऊंगी आप सभी को कि आप लोग कैसे अपनी हैंकी को टक कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे राइट साइड करके दिखाओ, लेकिन राइट साइड का कोई मतलब नहीं निकलता है हैंकी टक करने का। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्या होता है, अपन रुमाल लेके हर जगह जाते हैं, और जब जाके लेके तो हर जगह जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम होता है जब ये मेरे हाथ में मतलब वापस हमारे हाथ में होती है रुमाल, क्योंकि कहीं भी गिर जाती है, हम कैरी नहीं कर पाते हैं, कहीं भी फिसल जाती है, स्पेशली कॉटन की हो या कोई भी हो जाती है। बैकग्राउंड का आवाज़ जो आ रहा है इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बच्चे खेल रहे हैं। एंड चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, इसीलिए हमारी हैंकी सेफ रहे उसी के लिए हम ये अच्छे सा ट्रिक लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड, देख लीजिए ये है कॉटन की रुमाल और मेरे साड़ी से थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, बहुत मुश्किल से मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि आप लोग फर्स्ट तरीके से कैसे इसको आप टक कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग इस रुमाल को लेंगे एंड इसको तीन पतले पतले ऐसे इस तरीके के कुछ, एक बार इधर को और एक बार बाहर तरफ और एक बार फिर से अंदर की तरफ, इस तरीके से अपने रुमाल को फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कॉटन की हैंकी है और अभी धुली भी नहीं है, अगर एक बार धुल देंगे तो आप लोग बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये रिक्वेस्ट बहुत दिन से आ रही थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके का इसका ये तीन तरीके का ये लेयर बन जाती है। और ये प्यारी सी लेयर को आप लोग ऐसे करके इधर से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का करके दिख रहा है ना आप सभी को, तो कुछ इस तरीके का करके आप यहाँ पे इसको टक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है इसका। अगर एक बार धुल के यूज़ करेंगे तो कॉटन की रुमाल बहुत ही अच्छा लुक देती है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके का ये अलग अलग लेयर में आएगा और प्यारा सा ये लुक आएगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से टक कर सकते हैं। एंड सेकंड बताती हूँ मैं, सेम इसको ऐसे ही रहने देना है इस तरीके से, एंड इसको ना बीच से पकड़ना है, आप लोग देख सकते हैं इसको बीच से पकड़ना है कुछ इस तरीके का, इसको एक बार इधर को घुमा के कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का करके, एंड इसको आप लोग ऐसे या फिर यहाँ पे ऐसे पिनअप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप टक कर सकते हैं छोटी सी रुमाल, एंड ऐसे दिखेगी और बहुत ही अच्छा इसमें फ्रिल बन के आता है, तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके का लगेगा। एंड जो मैं थर्ड वन बताने वाली हूँ वो आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि ये हर कोई करता है, तो इसको हाफ ऑफ पार्ट में करेंगे एंड इसको दो बार ऐसे फोल्ड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बराबर इसको करके ऐसे बराबर करेंगे न्यू, एंड यहाँ पे इसको ऐसे हाफ इधर और हाफ इधर ऐसे टक कर लेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं ना कुछ इस तरीके का, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत ज़्यादा मतलब
रॉयल लुक लग रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं एंड जो फोर्थ मैं बताने वाली हूँ उसको ऐसे करना है आप लोगों को, टू पार्ट में करना है एंड इस तरीके से करना है, आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से। एंड इसका जो ये वाला पार्ट है ऐसे, तो इसको हाफ पकड़ के, है ना, हाफ ऐसे इतना और इतना यहाँ पे रखना है और इसका आधा पार्ट अंदर की तरफ टक कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से आप टक कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे करेंगे तो जो ये आपकी कमर की ये जो बॉर्डर है वो भी दिखेगी एंड ये भी ऐसे आप लोगों का अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं और इधर से भी अच्छा सा लुक दे रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वन है वो मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड क्या करना है आप सभी को, अपने हैंकी को कुछ इस तरीके से पकड़ना है एंड इसको ऐसे ऐसे एंड ऐसे करना है, कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का करना है और इनको आपस में ऐसे करना है। ये वो जो फर्स्ट टाइप का बताई थी ना कुछ वैसे ही है और इसको यहाँ पे भी टक कर सकते हैं, बच्चों को, अपने आप को नहीं, बच्चों को कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको भी बच्चों के यहाँ पे भी टक कर सकते हैं, शर्ट वगैरह में टिपल कर सकते हैं ताकि बच्चों को मतलब यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड जो अपना थर्ड वन है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं इसका, इस तरीके से कुछ कॉर्नर बना लेते हैं एंड ऐसे भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका प्यारा सा लुक आता है। तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं एंड इसी को हाफ हाफ करके एंड एक बार और फोल्ड करना है, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। एंड इसको इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो एक बार और फोल्ड कर लीजिए और जैसे फर्स्ट बताया उसका ये छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा ये ऐसे कर सकते हैं एंड इसको ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसको हाफ हाफ करके एंड ये करके और ये वाला ये ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे ऐसे एक ऐसे अपनी साड़ी पे ऐसे इसको टक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को टक कर लेना है। एंड बहुत सारी ट्रिक हैं जो कि तरह तरीके की आती हैं लेकिन जो ज़्यादा यूज़फुल हैं वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं है इधर उधर का। और जो अपना ये है तो एक इस तरीके से चार तरीके का फोल्ड करना है और उससे भी छोटा करना है तो इस तरीके का फोल्ड करें एंड इसको यहाँ पे ऐसे टक कर लें, किसी को पता भी ना चले आपके पास हैंकी है एंड आप यूज़ करना है जब भी तभी यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एंड इस तरीके का भी कर सकते हैं आप लोग, इसको यूं एंड यूं एंड यूं, ये वाला पार्ट ऐसे मैंने रिपीट किया क्या, ऐसे ऐसे हाफ ऑफ करके भी हाफ एंड इजी ट्रिक ऐसे करके भी ऐसे टक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे भी, क्योंकि हैंकी रखना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी के पास होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए कि हमने ले रखी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और भी कोई रिक्वेस्ट हो सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये मेकअप लुक जो आने वाला है उसको ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।